10 credit card mistakes to avoid if you are a beginner. Number one, regularly keeping your credit utilization ratio above 30%. So, आपको अपना credit utilization ratio 30% से ऊपर नहीं रखना है. For example, अगर आपके credit card की limit है 1 lakh rupees, so आपको उसमें only 30,000 rupees की spending करनी है, आपको उससे above नहीं जाना है. And अगर आपकी spending ज़्यादा है तो आप अपने credit card की या तो limit exceed करा लीजिए या फिर आप एक और credit card ले लीजिए, क्योंकि credit utilization rate से पता चलता है कि आप कितने credit worthiness है. And most of the bank आपको loan approve करते हैं उसके ही basis पे. So number two यहाँ पे आता है only making the minimum payment. So most of the लोग specially beginners क्या करते हैं, जो भी उनका credit card का bill होता है उसमें वो अपना total due amount को pay ना करके ओनली जो अपना मिनिमम पेमेंट अमाउंट होता है ना वो उसको पे करता है. और ये एक रेगुलर हैबिट बना लेते हैं कि हम सिर्फ मिनिमम पेमेंट अमाउंट पे करेंगे. उससे आपके क्रेडिट स्कोर पे फर्क पड़ता है एंड पेइंग ओनली द मिनिमम एक्सटेंड योर डेब्ट एंड लीड टू मोर इंटरेस्ट. सो नंबर थ्री इज क्लोजिंग अ क्रेडिट कार्ड. सो आपके पास अगर 2-3 क्रेडिट कार्ड है, आप किसी क्रेडिट कार्ड को थोड़ा कम यूज करें या ना यूज करें तो लोग कभी कभी क्या करते हैं उसको क्लोज करवा देते हैं. ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना. आपको क्रेडिट कार्ड क्लोज नहीं करना है. अगर आपके क्रेडिट कार्ड की एनुअल फी आपके बेनिफिट से ज्यादा है तो आप उस केस में अपने क्रेडिट कार्ड को क्लोज करवा सकते हैं. नंबर फोर, नॉट रिक्वेस्टिंग क्रेडिट लिमिट इंक्रीज. अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज होगी तो आपका क्रेडिट स्कोर भी इंप्रूव होगा. बट आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर आप अपनी क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज करा रहे हैं तो आप अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज ना करें. स्पेंडिंग आप अपनी उतनी ही रखना सो दैट आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो इम्प्रूव हो सके. नंबर फाइव, मेकिंग अननेसेसरी परचेजेस टू अर्न रिवॉर्ड पॉइंट्स. ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है. लोग अक्सर ओवर स्पेंड कर देते हैं ताकि उनको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाए एंड इट कैन लीड टू अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम. सो आप इस ट्रैप पे मत फंसिए. आपके जो भी स्पेंडिंग आप वो करो, अपना बैलेंस टाइम टू टाइम पे करो और जो भी आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स होंगे उनको एंजॉय. नंबर सिक्स इज impulsively applying for a credit card. So कभी कभी क्या होता है, हमें credit card चाहिए होता है. If you are a beginner, आपको इतनी ज़्यादा knowledge नहीं होती तो आप research करें बिना कोई भी credit card ले लेते हैं. जो आपने किसी के मुँह से सुना होगा या कहीं पर भी देखा होगा, आप कोई भी credit card ले लेते हैं. तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना. So आप बहुत अच्छे से research करें ताकि आप कोई high interest retail credit card ना ले लें. Number seven, sharing sensitive information. So आपको अपनी जो personal information है credit card की वो किसी से भी share नहीं करनी. In case आपका क्रेडिट कार्ड खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो आपको इमीडिएटली उसकी रिपोर्ट करनी है ताकि आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो. नंबर एट, कीपिंग नो ट्रैक ऑन योर स्पेंडिंग. सो आपकी कोई भी अगर स्पेंडिंग हो रही है ना, आपको पहली बात तो देखना है कि आपने क्या क्या खर्चा किया. आपको उसके साथ साथ अगर आपके क्रेडिट कार्ड में कोई एरर या फ्रॉड होगा आपको उसका भी पता लग जाएगा. नंबर नाइन, कैरिंग अ बैलेंस. कैरिंग अ बैलेंस डज नॉट हेल्प योर क्रेडिट स्कोर एंड कॉस्ट यू मनी. आपका एम होना चाहिए कि आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो है वो 30% या 30% से नीचे रहे ताकि आपको अननेसेसरी इंटरेस्ट नहीं पे करना. नंबर 10 एंड द लास्ट इज अप्लाइंग फॉर अ न्यू क्रेडिट कार्ड टू ऑफन. सो आपको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. इससे क्या होगा, आपकी जो इंक्वायरी है ना वो इंक्रीज हो जाएगी. आप जितने कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे आपकी इंक्वायरी उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज होती जाएगी. सो आप क्रेडिट कार्ड के लिए जब ही अप्लाई करें जब आपको उसकी जरूरत है, अननेसेसरी मत अप्लाई करिए. सो ये थे कुछ 10 कॉमन मिस्टेक्स जो एज अ बिगनर आप करते हैं जब आपको क्रेडिट कार्ड लेना होता है. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बाय.